इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच और मैच शुरू हुआ और शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को सूत के रख दिया। ब्रेंडन मैकलम के बाद एक और ताबड़तोड़ ओपनिंग बैट्समैन आया है जो विकेट कीपिंग भी करता है, टिम सेफर्ट। बहुत पीटा और बहुत मारा, हार्दिक पांड्या को तो 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन देने पड़े। लेकिन बात होगी न्यूजीलैंड की इनिंग्स के 11वें ओवर की। बॉलिंग कर रहे थे कृणाल पांड्या, सीफर्ट ने दूसरी बॉल पर उन्हें एक छक्का मारा, तीसरी पर भी मारा। सस्ती मैगजीन की भाषा में बोलूं तो कृणाल बदले की आग में जल रहे थे। सीफर्ट आखिरी बॉल पर स्ट्राइक पर थे, ओवर की आखिरी बॉल पर स्ट्राइक पर थे। पांड्या ने बॉल फेंकी, सीफर्ट ने फिर से बल्ला चलाया, इस बार गेंद हवा में टंग गई। लॉन्ग ऑन की तरफ से दौड़ते हुए आ रहे थे बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे दिनेश कार्तिक, वो गेंद के नीचे सेटल हो चुके थे। उनके पास इतना टाइम था कि पूरी पोजीशन ले सकते थे और उसके बाद वो कैच ले सकते थे, लेकिन कार्तिक ने कैच टपका दिया। कृणाल पांड्या को लगा कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। फिर आया इनिंग्स का 15वां ओवर, हार्दिक पांड्या की बॉल पर मिशेल ने गेंद हवा में उठा दी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जाती हुई दिख रही थी बॉल। लेकिन इसी बीच दिनेश कार्तिक आए और आकर गेंद पकड़ ली, लेकिन गेंद पकड़ने के दौरान ही वो अपना बैलेंस खो बैठे और बाउंड्री के उस पार गिरने लगे। अगर वो गिरते तो छक्का हो जाता, इसलिए उन्होंने गेंद हवा में उठा दी, बाउंड्री से वापस मैदान में आए और इससे पहले कि गेंद जमीन पर गिरती उन्होंने उसे पकड़ लिया। शानदार कैच था। एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं मैच के 18वें ओवर पर। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग कर रहे थे और इस बार बैट्समैन थे रॉस टेलर। रॉस टेलर ने गेंद हवा में मारी और डीप मिड विकेट पर खड़े कार्तिक ने एक आसान सा कैच गिरा दिया। गेंद ठीक उनके ही पास आई थी, उन्हें अपनी जगह से हिलना भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे हथेलियों में मक्खन लगा हुआ है और दिनेश कार्तिक ने इसीलिए कैच गिरा दिया। तो एक कठिन कैच जो कि लगभग छक्के के लिए जा रहा था, यह कैच उन्होंने ले लिया, और दो आसान जिसे रेगुलेशन कैच कहते हैं, ये कैचेस उन्होंने गिरा दिए। इस केस में याद आया उनका ही लिया हुआ एक और कैच। आज से लगभग 12 साल पहले साउथ अफ्रीका में, जहां दिनेश कार्तिक के बारे में सबसे मारक बात पूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने कही थी, और उसे दिनेश कार्तिक ने आज सच भी साबित कर दिया। साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में, उस मैच में यानी 2007 में साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में दूसरे ओवर के लिए आए हुए थे बॉलर आरपी सिंह। गिब्स को वो पहले ही आउट कर चुके थे। इस बार बारी थी साउथ अफ्रीका के कैप्टन ग्रीम स्मिथ की। एक स्विंग होती हुई डिलीवरी जो कि थोड़ी विकेट से बाहर फेंकी गई थी, उस पर स्मिथ ने बल्ला फेंका और बॉल बैट के किनारे को छूकर स्लिप्स के ऊपर से निकलने को तैयार थी, लेकिन बीच में फिर से दिनेश कार्तिक कूद पड़े। अपने लेफ्ट साइड में जाकर उन्होंने हवा में ही एक शानदार कैच पकड़ा। रवि शास्त्री उस वक्त कमेंटेटर हुआ करते थे, उन्होंने दिनेश कार्तिक को खूब शाबाशी दी और फिर नासिर हुसैन ने माइक पर कहा, दिनेश कार्तिक दो ध्रुवों पर होते हैं, या तो एक हलवा कैच गिरा देते हैं या फिर एकदम इम्पॉसिबल कैच पकड़ लेते हैं। दिन भर में दो आसान कैच छोड़ने और एक लगभग नामुमकिन कैच को पकड़ लेने वाले दिनेश कार्तिक ने हुसैन की बात को प्रूव कर ही दिया था। यह बात थी दिनेश कार्तिक की पहले टी20 मैच से। अभी दो मैचेस बचे हुए हैं न्यूजीलैंड टूर से, सारी इन्फो हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन। अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पे दिखाई दे रहा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। देखते रहिए dlallantop.com।